नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में विभिन्न भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें होती हैं जो अभ्यर्थी जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। भर्तियों से जुड़ी ताज़ा खबरें सही और सटीक सबसे पहले। सही और सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा नहीं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। जब भी आप बेल आइकन को दबाएँ तो ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए आज की ताजा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताजा खबर यूपी टीटी 2019 के नोटिफिकेशन को लेकर है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन बृहस्पतिवार के पहले जारी होने की पूर्ण संभावना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। यूपी टीटी परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को प्रस्तावित है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे सभी इस आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। दरअसल 8 दिसंबर 2019 को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, वहीं 15 दिसंबर 2019 को पीसीएस 2019 की प्रारंभिक परीक्षा है। दोनों परीक्षाएं टकराए ना, जिसके कारण यूपी टीटी की परीक्षा 22 दिसंबर 2019 प्रस्तावित की गई है। तो आपको बता दें कि बृहस्पतिवार के पहले यूपी टीटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आज की दूसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि अगले साल से नियमित होती रहेंगी परीक्षाएं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह भी कहना है कि अगले साल से जिस भर्ती का विज्ञापन जिस साल जारी होगा उसी साल पूरा कर दिया जाएगा। तो यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत सराहनीय काम है और अभ्यर्थियों के हित में काम है। यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहचान पीसीएस परीक्षाओं से रही है। पिछले वर्षों में इस अहम परीक्षा में जिस तरह से विवाद और रिजल्ट में ऐसी विसंगतियाँ सामने आई कि परीक्षाओं का शेड्यूल ही बिगड़ गया था। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने से पहले इसका ध्यान रखा और अब परीक्षाओं को पटरी पर ला दिया है। इससे अब अगले वर्ष से परीक्षाएं उसी वर्ष पूरी हो सकेंगी जिस वर्ष उनका विज्ञापन घोषित होगा। तो आज की तीसरी ताज़ा खबर रोडवेज के उन कर्मचारियों की है जो संविदा पर चालक और परिचालक पोस्ट पर तैनात हैं। रोडवेज के 1456 संविदा चालकों और परिचालकों की नौकरी हो सकती है पक्की। हो सकती है पक्की नहीं, हो जाएगी पक्की, आप यह मानकर चलिए, और 1 से 2 महीने के भीतर हो जाएगी। प्रदेश के रोडवेज डिपो में कार्यरत 1456 संविदा चालकों और परिचालकों की करीब 1 माह में नौकरी पक्की हो सकती है। इन कर्मचारियों की रोडवेज के रिक्त पदों पर नियमितीकरण की तैयारी है। रोडवेज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजशेखर ने गुरुवार को संविदा कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों को वार्ता के दौरान ये आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि नियमितीकरण से पहले विधिक राय व शासन से मंजूरी ली जाएगी और प्रबंध निदेशक ने बताया है कि नियमितीकरण से पहले फाइल का अध्ययन व मुख्यालय के अफसरों से बातचीत की जाएगी। उधर यूनियन प्रतिनिधि रामराज विश्वकर्मा एवं कन्हैया पांडे ने बताया है कि 1456 वे चालक एवं परिचालक हैं जिन्हें वर्ष 1996 से 2001 के बीच संविदा पर नियुक्त किया गया था। इन सभी को वरिष्ठता के क्रम में रोडवेज के अस्थायी पद चालक एवं परिचालक के पद पर नियमित किया जाना प्रस्तावित है। आज की चौथी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है। एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार ने एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की थी और अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि दीपावली के पहले 6 विषयों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा, 2 विषय को छोड़कर जो कि विवादित हैं। और उसके दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका परिणाम पहले आ चुका है उनके सत्यापन की तिथि निर्धारित कर दी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब तक जिन विषयों के परिणाम आए हैं उनमें चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख के सत्यापन का कार्यक्रम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया है। इस मसले पर बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी और अगले ही दिन आयोग ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान कर दी है। सत्यापन की प्रक्रिया 15 अक्टूबर 2019 से 18 नवंबर 2019 तक आयोजित की जाएगी। आज की पांचवी ताज़ा खबर यूपी बोर्ड की है। यूपी बोर्ड में 10वीं की रेगुलर परीक्षा देने के लिए
अब अभ्यर्थी की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा तय की जाएगी। इसके लिए बोर्ड की ओर से शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और अधिकतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। शासन की मंजूरी के बाद अगले शैक्षिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू कर सकता है। हालांकि 10वीं की प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए यह नियम बाध्यकारी नहीं होगा। आज की 6वीं ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीओ 2017 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना है कि श्रेणीवार कटाप भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि पीसीओ 2017 का परीक्षा का अंतिम परिणाम आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अंतिम दौर पर सफल घोषित जिन अभ्यर्थियों के नाम के आगे प्रोविजनल शब्द अंकित है, उन्हें वंचित अभिलेख निर्धारित अवधि में आयोग दफ्तर में जमा करने होंगे। ऐसा न करने पर अभ्यर्थन चयन निरस्त कर दिया जाएगा। सचिव ने बताया है कि परीक्षा परिणाम से संबंधित प्रपतांग तथा श्रेणीवार कटाप अंक बहुत जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस बारे में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आज की 7वीं ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को पीसीओ 2017 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया है। पीसीओ 2017 में जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन सभी को आरसीएन जॉब न्यूज चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई। पीसीओ 2017 को टॉप करने वाले अभ्यर्थी अमित शुक्ला, अनुपम मिश्र और मीनाक्षी पांडे हैं। और आप लोगों का जीवन मंगलमय हो और आप अपने कार्य को सही ढंग से करें और ईमानदारी से करें, यही आपसे इच्छा है आरसीएन जॉब न्यूज़ चैनल की। तो आप सभी जितने अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के अंदर इसी प्रकार का लगन होना चाहिए कि कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ तो मुझे सफलता प्राप्त करनी है और अपने वर्क को नहीं छोड़ना है, अपने काम को नहीं छोड़ना है। अगर आप लगातार परिश्रम करेंगे तो आप यह मानकर चलिए एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज की 8वीं ताज़ा खबर सहायक अध्यापक की है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। अब सहायक अध्यापक बन सकेंगे समन्वयक। समग्र शिक्षा के जिला कार्यालयों में रिक्त समन्वयकों को पदों पर परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। यह निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया है। तो आज की बड़ी खबर सहायक अध्यापक के लिए यही थी जो मैंने आपको जानकारी दी है, और इसके बारे में जो भी जानकारी होगी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। आज की 9वीं ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक बोरिंग टेक्नीशियन समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 को लेकर है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 जनवरी माह में संभावित। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सहायक बोरिंग टेक्नीशियन समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 जनवरी माह 2020 में संभावित है। संभावना जताई जा रही है कि जनवरी माह के द्वितीय पक्ष में इस परीक्षा को आयोजित की जाएगी और आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। अक्टूबर माह के तृतीय सप्ताह में पाठ्यक्रम जारी हो जाएगा और जनवरी माह के द्वितीय पक्ष में जो है भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो एक बहुत बड़ी खबर है, अच्छी खबर है।